वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 5, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके पहले चैप्टर्स में हमने क्या पढ़े थे, एलिमेंट्स के बारे में, जो कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के जैसी होती है उनको मेटलॉइड्स बोलते हैं। यही सारे एलिमेंट्स यानी कि जो 118 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से कुछ 94 एलिमेंट्स नेचुरल अकरिंग होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर सही तरीके से अरेंज किया गया है बेस्ड अपॉन देयर कुछ प्रॉपर्टीज, जो कि फिजिकल, फंडामेंटल, केमिकल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मासेस के ऊपर, राइट। अब हम लोगों को यहाँ पर क्लासिफिकेशन क्यों पढ़ना है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स क्यों पढ़ना है, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो वन बायोलॉजी पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th, 11th एंड 12th की साइंस बहुत ही इजी वे में। वीडियो पसंद आता है, समझ में आता है जो पढ़ाया है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एलिमेंट्स की। नेचर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर है कैसा, 118, और उसमें से 94 एलिमेंट्स, हमने पहले भी बात करी, नेचुरल अकरिंग है, बहुत इजीली अर्थ क्रस्ट पे, एटमॉस्फेयर पे हमको मिल जाते हैं। अब इनका जो अरेंजमेंट है एक टेबल के अंदर किया गया, राइट। टेबल के अंदर क्या होते हैं, कॉलम्स होती हैं, रोज होती है। अरेंजमेंट इसलिए किया गया ताकि हम एलिमेंट्स को और अच्छे से पढ़ सके। आगे कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, कुछ बड़ी सी बिल्डिंग, कुछ ब्रिज बनाने जा रहे हैं जिसमें हम आयरन का यूज करते हैं, कोई दूसरे मेटल्स का यूज करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी हम इन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। तो वो प्रॉपर्टीज हमें कहां से पता चलेंगी, इस पीरियोडिक टेबल से पता चलेगी। इस टेबल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो एक एलिमेंट के पास में प्रेजेंट होती है, राइट। तो क्लासिफिकेशन को समझने से पहले एक छोटी सी चीज को समझते हैं, जो बाहर मार्केट या सुपर मार्केट्स होते हैं, वहां पे जब हम कोई चीज लेने जाते हैं तो वहां पे हर चीज अरेंज करी गई है। ग्रोसरी का सेक्शन अलग होता है जहां पे आपको दाल, चावल, आटा, नमक, एक आपका जो बाथिंग का सामान होता है, साबुन होते हैं, वो अलग जगह पे रखे होते हैं। अगर हम सोप्स की बात करें तो उसके अंदर भी एक वॉशिंग वाले अलग सोप्स होते हैं जिसमें आप कपड़े धो सकते हो, एक बाथिंग के अलग होते हैं, उसके अंदर बेबी सोप्स अलग होते हैं, वेमेन के अलग होते हैं, मेन के अलग होते हैं। तो क्या किया गया, उन सोप्स को अरेंज किया गया है ताकि हमारे लिए ईजी हो जाए कौन सा हमें चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ये एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर कई सारे साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है, उन लोगों ने काफी पहले से स्टार्ट कर दिया था ये एलिमेंट्स को अरेंज करना। तो सबसे पहले है डॉबनियर, उसके बाद आए थे एक न्यूलैंड, फिर थर्ड नंबर पे है मेंडलीव, जिनकी हमें पीरियोडिक टेबल पढ़नी है, और फाइनली हमें पढ़नी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चार डिस्कवरीज को समझना है, यानी कि जो एलिमेंट्स प्रेजेंट थे ये चारों साइंटिस्ट ने क्या किए थे, इन एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी। सबने एक साथ नहीं करी थी, एक के बाद एक करी थी। क्या होता है ना, जब कोई नई चीज स्टार्ट होती है कि कोई भी फील्ड में हो, तो उसको देख के काफी लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो भी वही चीज करना चाहते हैं अगर वो सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है डॉबनियर ट्रायड को। डॉबनियर एक साइंटिस्ट का नाम है जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, वो एक केमिस्ट थे, राइट। दूसरा हमें देखना है न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव। यहाँ पे जो न्यूलैंड है ये एक इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, ठीक। थर्ड हमें देखना है मेंडलीव, जो कि एक रशिया के केमिस्ट थे, और फाइनली एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को एच मॉजले ने फाइंड आउट या फाइनली उसको डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले डॉबनियर का आइडिया आया था कि इतने सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इन सबको मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये एक पॉइंट है समझने वाला, जो डॉबनियर ने ट्रायड फॉर्म किया था एलिमेंट्स का, उस समय पर 118 एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे, केवल कुछ ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। तो डॉबनियर ने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था ट्रायड फॉर्म में। ट्रायड मतलब ट्राई मतलब होता है थ्री, तीन एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा। किस बेसिस पे अरेंज करके रखा, उनको रखा उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे, यानी कि ये एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3। ऊपर से नीचे जाएंगे तो इसका एटॉमिक जो मास होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। इन्होंने ये एक पॉइंट को रखा, इस बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया, पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट क्या हो गया, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया। दूसरा पॉइंट क्या, उन्होंने केवल 3 एलिमेंट्स को रखा एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप के अंदर केवल 3 एलिमेंट को रखा।
फिर दूसरे तीन एलिमेंट्स को उन्होंने जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स होंगे उसको दूसरे ग्रुप में रखा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कैसा, E2, E3 हो गया, E4, E5, E6। अब ये कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, आपके बुक के अंदर एक छोटी सी टेबल बनी है उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है, राइट। तो उनको यहाँ पर उन्होंने एक दूसरे ग्रुप में रखा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और फाइनली क्या किया, E7, E8 और E9 एलिमेंट्स को रखा। तो क्या फॉर्म किया यहाँ पे उन्होंने, ट्रायड फॉर्म किया। तो ये हो गया क्या, सेकेंड पॉइंट इनका, ट्रायड फॉर्म किया। थर्ड फीचर था इनका अरेंजमेंट करने का, कि जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे E1 या यहाँ पर E4 या यहाँ पर E7, इसका एटॉमिक मास अगर मैं थर्ड एलिमेंट से ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं, यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम कहें एवरेज निकाल दूं E1 एंड E3 के एटॉमिक मास का, तो उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली एवरेज किसकी, सॉरी अप्रोक्सीमेटली एटॉमिक मास किसका होगा, एलिमेंट 2 का। यहाँ पर E4 plus E6 डिवाइडेड बाई 2 एटॉमिक मास ऑफ E4, तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली E5 का उसके बराबर आएगा। E7 का एटॉमिक मास प्लस E9 का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 2, तो एटॉमिक मास की जो वैल्यू आएगी वो E8 से थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होगी, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट है, पहला एटॉमिक मास को उन्होंने बेसिस रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तीन एलिमेंट्स को रखा, दूसरा पॉइंट क्या, ट्रायड फॉर्म किया, तीसरा क्या किया, पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का एवरेज निकालोगे तो दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाएगा। इन्होंने ये तीन बातें कही कि आप एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज कर सकते होगे। तो क्या इनका ये आइडिया सक्सेसफुल हुआ, अगर सक्सेसफुल हुआ होता तो हमको ये तीन और नहीं पढ़ने पड़ते। इनका ये वाला आइडिया अनसक्सेसफुल था, रिजेक्ट हो गई थी इनकी थ्योरी। क्यों रिजेक्ट हो जाती है थ्योरीज, क्योंकि देखो बहुत से साइंटिस्ट होते हैं सेम चीज पे काम करते हैं, उन लोगों को उनकी बातें सही नहीं लगी होंगी या उन्होंने कुछ पॉइंट रखा होगा जो उनकी बातों को फिट नहीं कर पा रहा होगा। जैसे कि लिमिटेशंस की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस यानी कि कमियां जो इन्होंने डिस्कवर किया, इसमें से अब हम कमी निकालेंगे, हम यानी आम इंसान नहीं कमी निकाल सकता, जो इनके जैसे साइंटिस्ट होते हैं जो इतना काम पढ़ चुके होते हैं वो निकालते हैं। तो उन्होंने पहली लिमिटेशन ये बताई कि इन्होंने केवल E1 से लेके E9 9 एलिमेंट्स को अरेंज किया, आगे चल के 10 साल 20 साल 30 साल बाद और एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो वो कहाँ रखे जाएंगे, उसके लिए कोई जगह नहीं बनाई। दूसरी बात ये कि जैसे ही 9 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए उसके बाद में उनका जो ये एवरेज वाला सिस्टम था ये वाला काम नहीं कर रहा था, वो एप्लीकेबल नहीं था। आगे चल के कोई एलिमेंट्स मिले उनको ट्रायड फॉर्म में रखा तो पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का एवरेज निकाला तो बीच वाले का बिल्कुल अप्रोक्सीमेटली नहीं आ रहा था, तो ये वाला पॉइंट उनका क्लियर नहीं हुआ, इसलिए ये वाली थ्योरी क्या हो गई, रिजेक्ट। अब ये रिजेक्ट हो गई तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया दूसरे साइंटिस्ट ले लेते हैं, तभी वो आगे फर्दर मूव करते हैं। तो क्या किया न्यूलैंड ने, जो कहाँ के थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनका आइडिया, इनकी पूरी जो थ्योरी थी इसमें से केवल एक पॉइंट को लिया, कौन सा पॉइंट, एटॉमिक मास वाला। उन्होंने बोला मैं अरेंज करके बताता हूँ एलिमेंट्स को एक टेबल के अंदर, और उन्होंने भी एटॉमिक मास का सहारा लिया, तो उसको देखते हैं। न्यूलैंड ने 1866 में यानी कि 1817 से बहुत सालों बाद रिसर्च करने के बाद इन्होंने भी यही बोला कि एलिमेंट्स को अरेंज करा जा सकता है टेबल में, कौन सी बेसिस पे, एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एलिमेंट्स को लिख लेंगे, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, इनको अरेंज किया इनके एटॉमिक मास के नंबर को इंक्रीज करते हुए। पहला पॉइंट इन्होंने भी यही दिया, ठीक है, एटॉमिक मास वाला। दूसरी बात इन्होंने ये बोली कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स डॉबनियर ने केवल 9 या 10 लिए थे, इन्होंने लिए टोटल 56 एलिमेंट्स, यानी कि इतने सालों के बीच में और एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, इसको भी इन्होंने अपने एलिमेंट की जो टेबल बनानी थी उसमें ले लिया, ठीक है। तो इस 56 में से जो स्टार्टिंग का एलिमेंट था उन्होंने उसको क्या नाम दिया था, हाइड्रोजन को रखा था, जो सबसे लोएस्ट पे था, और जो फाइनल 56 एलिमेंट था वो क्या था, थोरियम था, ठीक है। ये इसका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया, ऐसा लगता है शायद इनको म्यूजिक से थोड़ा लगाव था। उन्होंने क्या बोला, जो एलिमेंट्स अगर मैं अरेंज करके रखता हूँ किसी भी टेबल में, तो हर देखो E7 1 2 3 4 5 6 7 7th एलिमेंट के बाद में जो एलिमेंट नंबर 8 होता है
उसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती हैं पहले एलिमेंट की तरह। इन्होंने ये वाली बात बोली और बोला ये वाला जो पैटर्न होता है ना, एट्थ एलिमेंट पहले से मैच खा रहा है, ये होता है म्यूजिक के नोट्स में। कैसा? जो हमारे हम इंडियंस में एक म्यूजिक चलता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, अगर इसको हम लिखें सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7, एट नंबर पे क्या आया सा, जो पहले नंबर पे भी सा था। इसी को फिर रिपीट करते रहते हैं, सारे गामा पा, ये रिपीट चलता रहता है। तो उन्होंने बोला एलिमेंट्स में भी यही है, जो ये एट्थ नंबर का एलिमेंट होगा वो उधर नहीं आएगा, वो इवन के नीचे आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9 10 11 12 13 14 15 नंबर का एलिमेंट जो है वो अगेन यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि 1 8 15 इस तरह की इनकी प्रॉपर्टीज मैच खा रही है। उसी तरीके से E2 E9 और इसके आगे की जो एलिमेंट्स की जो लाइन होगी या कॉलम है वो मैच खाएंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट उन्होंने पॉइंट दिया था, और इसी को बोला क्या, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट यानी कि एट, एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज मैच खाती है। तो ये इन्होंने पॉइंट्स कुछ दिए थे। अब यहां तक तो उन्होंने बता दिया कि लॉ ऑफ ऑक्टेव होता है, लेकिन ये थ्योरी भी सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि आगे ये दो थ्योरी और पढ़नी है हमको, तो इसका मतलब इसमें कुछ तो प्रॉब्लम होगी, कुछ लिमिटेशंस होंगी। वो क्या लिमिटेशंस थी? पहली लिमिटेशन क्या थी इसकी, जो इन्होंने बोला था ये लॉ ऑफ ऑक्टेव है, यानी कि हर आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज से मैच खाएगा। कैल्शियम के बाद में, मैंने यहाँ पर वो वाली टेबल बना दी है जो बुक के अंदर बनी हुई है, कैल्शियम एलिमेंट के बाद में ये वाली जो उनकी थी पैटर्न, ये फॉलो नहीं कर रहे थे एलिमेंट्स। अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट से, यानी कि जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये तीनों हैलोजन्स हैं, ठीक है, एक ग्रुप में आ गए, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन ये कोबाल्ट और निकिल ये कहाँ से आ गए? कोबाल्ट और निकिल तो मेटल्स हैं, इनके साथ नहीं आ सकते, ये हैलोजन्स हैं। लेकिन इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इसको रख दिया, क्योंकि क्या करना था उनको, एट एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे रखना था, इसलिए यहाँ पर उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव यहाँ पर अप्लाई कर दिया। लेकिन ये कैल्शियम के बाद में वो एप्लीकेबल नहीं था, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। तो ये था इनका क्या, पहला लिमिटेशन, कि आफ्टर कैल्शियम लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। दूसरी कमी ये थी इनकी कि इतने ही एलिमेंट्स की टेबल बना के रख दी, आगे चल के कोई दूसरे डिस्कवर कर देंगे एलिमेंट्स, आपने नहीं किया तो क्या हुआ, बहुत से साइंटिस्ट बैठे हैं, अगर बहुत से और एलिमेंट्स आ गए तो वो यहाँ पर हम कहाँ अरेंज करेंगे? आपने तो बोल दिया केवल 7 एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद 8वां एलिमेंट को फर्स्ट के नीचे ही आना पड़ेगा। ऐसा अगर होता रहेगा तो टेबल कैसी लेंथी नीचे तरफ जाएगी, साइड में जाएगी नहीं। अगर प्रॉपर्टीज मैच नहीं भी खा रही तो भी हमें नीचे रखना पड़ेगा। तो ये इनकी दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन क्या थी इनकी, जो इन्होंने यहाँ पर ही कोबाल्ट और निकिल को रखा, ये यहाँ पे क्यों रखा उन्होंने? पहली बात तो ये कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स आएंगे और 8वें एलिमेंट को इधर रखना पड़ेगा। तो क्या किया, आयरन के बाद में कोबाल्ट और निकिल को यहाँ रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो करना है, 8वां एलिमेंट पहले से मिलना चाहिए, तो उन्होंने पहले के नीचे रख दिया। लेकिन पहले वाले में फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन थे, जो कि क्या है, हैलोजन्स होंगे, राइट। तो हैलोजेंस की प्रॉपर्टी ये कोबाल्ट और निकिल मेटल के साथ में मैच नहीं करती, उसके बावजूद यहाँ पे रख दिया ताकि एडजस्ट हो जाए, इनकी टेबल में एडजस्टमेंट बिल्कुल अच्छे से हो जाए, ना इधर से कोई एक्स्ट्रा दिखे, ना यहाँ से कोई एक्स्ट्रा दिखे, ना नीचे से कोई एक्स्ट्रा दिखे। तो एडजस्टमेंट के नाम पर यहाँ पर इन्होंने गलत एलिमेंट्स को रख दिया। कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज आयरन से मैच खाती है, ठीक है। तो ये हो गई क्या इनका तीसरा लिमिटेशन। चौथा लिमिटेशन जो आया, जिसके वजह से इनकी पूरी टेबल सत्यानाश हो गई, यानी कि कहे कि बिल्कुल रिजेक्ट हो गया, वो था क्या, नोबेल गैस का डिस्कवरी होना। फोर्थ नंबर पे आई क्या, नोबेल गैसेस। जब नोबेल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो वो यहाँ पर कहीं भी फिट नहीं हो रही थी, ना इधर ना आगे, कहीं पर भी नहीं हुई। तो वो तो डिस्कवर हो गई, वो तो एलिमेंट्स है, उनको अरेंज तो करना पड़ेगा। अब आपकी टेबल में नहीं हो रही तो आपकी पूरी थ्योरी हो गई क्या, रिजेक्ट। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। फिर उसके बाद कौन आए, मेंडलीव। इन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाई, ठीक है। ये रशिया के रहने वाले थे, ये भी एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने भी पीरियोडिक टेबल जो बनाई, एलिमेंट्स का यूज किया, बेस वही रखा एटॉमिक मास वाला, कि एटॉमिक मास लेंगे एलिमेंट्स का, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके हम एक टेबल बना लेंगे। तो उसको आप जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई एलिमेंट्स की, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही एज कम्पेयर टू न्यूलैंड एंड डोमिनियर की। क्यों?
क्योंकि इन्होंने भी एटॉमिक मास को तो कंसिडर किया टेबल बनाने के लिए, लेकिन कुछ और भी चीजें ऐड करी। क्या क्या चीजें? सबसे पहली थी, यहाँ पे लिख देती हूँ, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज कर दिया, पहला पॉइंट। दूसरा, उन्होंने ली कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। उसमें बहुत सारी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आ सकती है, उतना डिटेल में हमको नहीं देखना है। ठीक है, तीसरी ली उन्होंने क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। वीडियो समझ में आ रहा है आप लोगों को तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने, ये तीनों चीजों को, एटॉमिक मास, फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज, किसी भी एलिमेंट की, इन्होंने फ्लैश कार्ड में लिख लिया। कैसा? इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे फ्लैश कार्ड बनाए। फ्लैश कार्ड में क्या लिख दिया, एलिमेंट का नाम लिख दिया या उसका सिंबल लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया कि ये एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। ये एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके कुछ उसने बनाया, तो ये होती केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसे सारे एलिमेंट्स की इन्होंने फ्लैश कार्ड में प्रॉपर्टीज लिख ली। कितने एलिमेंट्स की लिखी, इन्होंने लिए थे टोटल 63 एलिमेंट्स। तो कितने फ्लैश कार्ड्स बने होंगे इनके, 63 फ्लैश कार्ड्स बने। अब इन्होंने पूरे फ्लैश कार्ड्स को अच्छे से रख दिया, जमा दिया, कुछ भी ऐसे अरेंज करके ऐसे प्रॉपर्टीज। फिर उसको एनालिसिस किया, क्या देखा कि ये एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये दूसरे एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी से मैच खा रही है, तो ये दोनों एलिमेंट कहीं ना कहीं सिमिलर है। इसी तरीके से और भी एलिमेंट्स मिल गए, तो इनके अलग अलग ग्रुप्स बन गए। तो इसलिए इन्होंने बहुत अच्छे से सॉर्ट कर दिया किसको, 63 एलिमेंट्स को। जब इनकी सॉर्टिंग हो गई सबकी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, तब इन्होंने बना दी क्या, पीरियोडिक टेबल। और इस टेबल के अंदर उन्होंने दो नाम दिए, जो वर्टिकल कॉलम्स थे इनको इन्होंने बोला क्या, ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी इनको नाम दिया इन्होंने क्या, पीरियड्स। क्लियर यहां तक? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स थे, पीरियड्स थे, 63 एलिमेंट्स थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास थे, उसके बेसिस पे इस टेबल के अंदर एलिमेंट्स को उन्होंने रख दी। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो इनकी टेबल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रही, इन्होंने इस टेबल में क्या किया, बहुत सारे गैप्स छोड़े थे। कैसे गैप छोड़ दिए, सपोज यहाँ पर एलिमेंट नंबर 1 रखा, ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पर एलिमेंट नंबर सपोज 4 रखा। क्यों? क्योंकि 1 और 4 की कुछ प्रॉपर्टीज मैच खा रही थी, हमें पता नहीं कौन सी है, कुछ केमिकल हो सकती है, कुछ फिजिकल हो सकती है, कुछ भी है। फिर यहाँ पे एलिमेंट 8 रख दिया, यहाँ पे एलिमेंट 10 रख दिया। अभी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता यहाँ पे क्या एलिमेंट्स है, हम ऐसी सोच के रख रहे हैं कि चलो उन्होंने किस तरह से काम किया होगा। यहाँ पर एक चीज उन्होंने ये ध्यान दी कि जो एटॉमिक मास है सबका एक एक करके नीचे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर इसका 2 है तो इसका 4, इसका 5, इसका 6 या जो भी पैटर्न होगा, जरूरी नहीं है सेम नंबर से इंक्रीज करे, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मैच कर। अब फिर उन्होंने दूसरा वाला पॉइंट यहाँ पर उठाया, यहाँ पर हो सकता है E11 एलिमेंट हो। अब यहाँ पर इनको कोई एलिमेंट रखना था, लेकिन 63 एलिमेंट्स में से इसकी प्रॉपर्टी जैसा कोई एलिमेंट इनको नहीं मिला, तो यहाँ पर इन्होंने कोई भी एलिमेंट को नहीं रखा, जगह खाली छोड़ दी। फिर इस तरीके से ये भी भरते गए, ऐसा करते करते उन्हें कई जगह ऐसी मिली जहां पर, वहां पर वो कोई भी एलिमेंट नहीं रख पाए जो उनके पास प्रेजेंट थे उस टाइम पे, 63 उसमें से कोई रखने लायक नहीं था, तो जगह छोड़ दी। आगे चल के भाई कोई और डिस्कवर करेगा तो तुम रख लेना, अगर कोई एलिमेंट नया मिल गया और उसकी प्रॉपर्टी यहाँ वाले एलिमेंट से मैच खा रही तो यहाँ रख देना। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल का। इतनी सारी प्लस पॉइंट होने के बाद भी ये टेबल भी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आने की जरूरत पड़ी। क्यों यहाँ पे जरूरत पड़ी, क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थे, थोड़े ही लिमिटेशंस थे बट थे। सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि जो इन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए वो रखा, लेकिन दो एलिमेंट्स के साथ में ऐसा नहीं हुआ। एक था क्या, कोबाल्ट, एक था निकल। ठीक है, ये दोनों क्या है, मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास सॉरी, 58.9 और निकल का एटॉमिक मास है 58.7। तो देखो दोनों 58-58 है, लेकिन 0.7 ये 0.9 है, तो इसका ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए। लेकिन इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर कोबाल्ट पहले आया, निकल बाद में।
क्यों? क्योंकि कोबाल्ट जो था इसके पहले एलिमेंट से इसकी प्रॉपर्टी मैच खा रही थी, अगर निकल को रख देते तो निकल यहाँ पर मैच नहीं कर पा रहा था। तो ये इनका पहला एक लिमिटेशन था कि इन्होंने एटॉमिक मास जो कंसिडर किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फॉलो नहीं किया एक जगह पर। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन इनकी क्या थी, जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसको उन्होंने सही प्लेस नहीं दी पीरियोडिक टेबल में। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा था, तो उनको समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या मानूं, मेटल मानूं, नॉन मेटल मानूं, मेटलॉइड मानूं, क्या मानूं, तो उसकी इन्होंने गलत जगह फिक्स कर दी। ठीक है, तीसरा लिमिटेशन क्या था इनका, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स की फॉर्म होती है, जो एलिमेंट है वो अलग अलग तरीके से अपने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें आइसोटोप्स बोलते हैं, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का आइसोटोप 1H1, 1H2, 1H3, तो यहाँ देखो एटॉमिक मासेस डिफरेंट है तो हाइड्रोजन ही एलिमेंट। आइसोटोप्स की पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन लेटर बहुत सालों बाद ये आइसोटोप्स जब डिस्कवर हुए तो इनको कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, किसी को समझ में नहीं आया, तो इसलिए ये वाली टेबल भी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही, थोड़ा सा इसको रिजेक्शन देखना पड़ा। इसी को देखते देखते, यही लिमिटेशंस को देखते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। जब कोई न्यू डिस्कवरी होती है तो जो पुरानी डिस्कवरी के अंदर जो भी कमियां होती हैं उस पर काम किया जाता है तो न्यू डिस्कवरी अपने आप हो जाती है। तो यहां तक पहले के तीन जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जहां जहां पे चूक करी थी वही चूक को पकड़ कर यहाँ पे एच मोजली ने एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया जो कि परफेक्ट है और आज भी उसी को पढ़ा जाता है। तो अब हेनरी मोजले ने जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया 1913 में, ऐसा क्या यूज कर दिया जो बाकी तीन लोग नहीं कर पाए? क्या हुआ, पहले की जो तीन साइंटिस्ट थे इन्होंने एक ही चीज को पकड़ के रखा था और उसी को पकड़ के सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे। वो क्या चीज थी? वो थी एटॉमिक मास, जिसको देखो बस एटॉमिक मास के बेसिस पे उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे पीरियोडिक टेबल बनाने चले थे, सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने चले थे। हेनरी मोजली ने यही पॉइंट को पकड़ा कि अब मैं इसको नहीं लूंगा एटॉमिक मास को, तीन लोग एक एक चीज पे काम कर चुके हैं, तीनों अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, यानी कि उतनी परफेक्ट उनकी जो रिसर्च थी या जो भी उन्होंने थ्योरी दी वो नहीं है। तो इन्होंने इसको चेंज कर दिया किसमें, इन्होंने इसको चेंज कर दिया एटॉमिक नंबर में, जिसको इन्होंने डिनोट करा किससे, जेड से। इन्होंने बोला कि मैं एलिमेंट्स को अरेंज करूंगा एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी इन्होंने भी उसमें वही कॉलम्स बनाए, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया, ग्रुप्स। रोज बनाई जिसका नाम क्या दिया, पीरियड्स। सेम जो मेंडेलीव ने दिया था उसी को इन्होंने कंटिन्यू किया, बस एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर इन्होंने कंसिडर किया। दूसरी चीज इन्होंने क्या बताई, जो नंबर ऑफ पीरियड्स है, ऐसा नहीं है टेबल पता ही नहीं है कितने इसमें रोज हैं, कितने इसके अंदर ग्रुप्स कॉलम्स बने हुए हैं, उसका नंबर फिक्स किया। सबसे पहले जो ग्रुप थे इनका नंबर दिया इन्होंने 18, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 18 कॉलम्स होंगे उस टेबल में। कौन सी टेबल में? पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड्स कितने होंगे, रोज कितनी होंगी, वो होंगे कितने, 7। ठीक है, ये दोनों नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए, 7 पीरियड्स 18 ग्रुप। 7 पीरियड्स आप ऐसे याद कर सकते हो, स्कूल के अंदर जब हम जाते हैं एक दिन में 7 पीरियड्स होते हैं, हमारे टाइम पे 7 पीरियड्स होते थे। पहले 5 पीरियड हो जाएंगे, उसके बाद लंच होगा और उसके बाद में 2 पीरियड हो जाएंगे, या पहले 4 हो जाते हैं उसके बाद में 3 हो जाते हैं, इस तरीके से चेंज होता रहता है, तो 7 पीरियड्स होते हैं, राइट। अब इतने टेबल के अंदर वो एलिमेंट्स जो 63 थे अब और बढ़ चुके थे, वो सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे उन्होंने अरेंज कर दिया। तो पीरियड्स एंड ग्रुप्स दो एडिशनल चीजें इन्होंने दी और उसका नंबर भी। यहाँ पर सबसे समझने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से सुनना उसको, मोजली की पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो ग्रुप में अलग तरीके से चलते हैं, पीरियड्स में अलग तरीके से चलते हैं। क्या चलते हैं वो बताती हूँ। अगर कोई एलिमेंट्स अगर हम ग्रुप्स में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बता दिया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये एलिमेंट्स हैं, ये ग्रुप्स में अरेंज हैं, ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हैं, इनके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे। क्या होंगे? नंबर ऑफ शेल्स
इंक्रीज होंगे, एक एक चीज को समझेंगे, पहले अभी इतना ध्यान देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है ग्रुप में, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर को लिया है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है, राइट। तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसके अंदर के प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उनको और जगह चाहिए तो वो कहाँ बैठेंगे, शेल्स में जाकर ही तो बैठेंगे, तो शेल्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज स्टेबल रहेगी, वो क्या, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या चीज है, इसे कैसे समझें, ये लाइन तो समझ में आ जाती है लेकिन किस तरीके से हमको दिमाग में घुस जाए या बैठ जाए, इसको समझने के लिए पीरियड्स वाली भी एक और चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। ये बात हो गई किसकी, ग्रुप्स की, ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं अगर पीरियड वाइज चलते हैं, हम रो के अंदर अगर चलते हैं तो क्या होता है, सेम चीज को यहां पर लेते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है, पीरियड में। दूसरा, नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं, क्या होते हैं ये, इंक्रीज होते हैं यूनिट बाय 1 यूनिट। अब ये दो चीज को हम लोग इन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1, लिथियम का क्या है 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, ठीक है, इतना यहाँ पे लिख दिया। अब देखो सोडियम का 11 है तो मैग्नीशियम का यहाँ पे क्या है 12, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, यहाँ पे 1, 3, 11, 19 इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर। रो वाइज में 11 इसका 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पे और भी आ जाएगा, क्लोरीन ये सब आ जाएंगे, ठीक है, समझने के लिए बस इतना देख लो यहाँ पर, ठीक है, इतना पॉइंट एटॉमिक नंबर हमने लिख दी। अब दूसरी चीज देखो क्या है, ग्रुप में पहला पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे इंक्रीज होंगे, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो शेल इंक्रीज होगा, कैसे पता चलेगा, देखो हाइड्रोजन लिखा है यहाँ पे, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये के शेल के अंदर बैठा रहेगा, ठीक। लिथियम जो है कितना है इसका 3, तो इसको कैसे रखेंगे हम के 11 शेल्स में 2, 1, ठीक। फिर कौन आता रहेगा, सोडियम, सोडियम है 11, 2, 8 हो गया 10 और हो गया 1, ठीक है, तो के एल एम शेल के अंदर आ गए, शेल इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे केवल के था, यहाँ के एल एम। फिर कौन है, पोटेशियम, पोटेशियम का 19 है, 2, 8 हो गया 10, देन हम 9 नहीं रखेंगे यहाँ पे, 8 ही रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर ये चीज समझनी है तो उसके पहले वाले चैप्टर्स की वीडियो देखो, वहां पे समझ में आएगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से क्यों लिखी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो के एल एम एन बड़ा, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हुए, के एल एम एन क्या है, शेल्स के नाम है, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, सही बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके तो छोड़ ही दो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बात करने ही कोई काम का नहीं है। लिथियम 2, 1, इसका जो लास्ट शेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। सोडियम का लास्ट शेल कौन सा है, ये 1, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है के एल एम के अंदर, यहाँ पे के एल में 1 है, यहाँ पे एम में भी 1 है। पोटेशियम के अंदर कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, के एल एम एन, एन के अंदर 1 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने भी ग्रुप्स में चले जाओ 1 ही रहेगा, और शेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ यहां से, ठीक है। अब समझते हैं क्या पीरियड वाइज के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहेंगे। ये देखो सोडियम का 11 है तो यहाँ पर ये लिखा था सोडियम का, अब यहाँ पर इस तरीके से लिख देती हूँ मैं, ये सोडियम हो गया। मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, 8, 10 हो गया और ये 2 हो गया, मैग्नीशियम का इस तरीके से रहेगा 12 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर मैग्नीशियम के बाद में क्या है, एल्यूमिनियम का 13 है, तो यहाँ पर दूसरे तरह से लिख देती हूँ, 2, 8, 10 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। इसी तरीके से सिलिकॉन, सिलिकॉन का 2, 8 हो गया 10, कितना नंबर है 14, और कितने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो देखो ये हो गया पीरियड वाइज, ये हो गया पीरियड
ये हो गया ग्रुप। अब पीरियड वाइज देखो, सोडियम एलिमेंट है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन है। पहला पॉइंट, नंबर ऑफ शेल्स सेम, यहाँ पे सेम रहेंगे। देखो KLM, 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 नंबर ऑफ शेल्स सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय वन यूनिट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में है, इसके पास वन है, इसके पास टू है, इसके पास थ्री, इसके पास फोर, जितने आगे जाते जाओगे वो 285, 286 इस तरीके से होता जाएगा। तो देखो वन से यहाँ पे थ्री नहीं हो गया, फोर नहीं हो गया, वन से टू गया, टू से थ्री गया, थ्री से फोर गया, एक एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट है किसका, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एक और इसमें क्या चीज थी, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट की पोजीशन होती है इस टेबल के अंदर, वो क्या शो करती है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर कोई एलिमेंट्स टेबल के लेफ्ट हैंड साइड में है तो वो सारे मेटल्स हैं, कोई एलिमेंट्स पीरियड के राइट हैंड साइड में है टेबल में तो वो नॉन मेटल्स हैं। जो बीच में एक zigzag लाइन है ये वो किसकी है, मेटलॉइड्स की, जो मेटल नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल क्या शो करती है, उसकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इसको, सिंपल सी लाइन है बट समझने वाली है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसकी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट इन ए पीरियोडिक टेबल, चाहे वो ग्रुप में हो पीरियड में हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट का क्या बताता है, हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो इंफॉर्मेशन देता है टाइप ऑफ बॉन्ड के लिए। कौन से टाइप ऑफ बॉन्ड हमने पढ़े थे इसके पहले, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कब शेयर होते हैं और कब पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो वाली चीजों को समझना है तो पहले वाले वीडियोस देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अब और डिटेल में और समझते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझते हैं, ट्रेंड्स इन टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। ट्रेंड्स में हमको क्या पढ़ना है, एटॉमिक साइज एंड रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ सेल्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एक और टर्म है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये सारी चीजों को, पांचों चीजों को पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट से किस तरीके से कोरिलेट करना है, उसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, पीरियोडिक टेबल। या बना लो एक छोटी सी, ये बना ली हमने पीरियोडिक टेबल, क्या है टेबल के अंदर कुछ रोज हैं और कॉलम्स हैं और एलिमेंट्स भरे हुए हैं। सबसे पहला क्या, एटॉमिक साइज एंड रेडियस को समझने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ शेल्स को समझते हैं। देखो इसमें जो एलिमेंट्स रखे हैं टेबल के अंदर, अगर मैं पहले समझाया था मैंने जो ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स ऊपर से नीचे की तरफ हम चलते हैं, तो शेल्स जो होते हैं वो क्या हो रहेगे, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, उनको रखने के लिए यहाँ पर जगह भी बढ़ रही है, ठीक है। पहला पॉइंट ये समझ लेना, ग्रुप्स में जब हम नीचे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया एटम। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, रेडियस, और ये एक एटम है तो बोलेंगे एटॉमिक रेडियस, और इसी को क्या बोल देते हैं, एटॉमिक साइज बोल देते हैं। अब ये साइज इंक्रीज या डिक्रीज होगी ग्रुप में और पीरियड्स में, ठीक है। तो ग्रुप में तो समझ गया कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ये बड़ा होता जा रहा है, लेकिन पीरियड वाइज बात करें हम यहां पर, पीरियड वाइज तो ये शेल है यहां पर, ये इंक्रीज नहीं होगा, सेम रहेगा, रहेगा सेम, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, बढ़ता जाएगा। यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, शेल बढ़ेगा, यहां पे शेल सेम रहेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। अब समझ में आएगा कि देखो एटॉमिक साइज और रेडियस कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सबसे पहले ग्रुप्स की बात करते हैं, देखो यहां पर ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहां पे ये आउटर मोस्ट शेल है, तो इसका ये हो गया रेडियस, यहाँ पर ये हो गया तो इसका हो जाएगा ये रेडियस, इसका हो गया ये रेडियस। तो ये कैसा लग रहा है आपको, ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, शेल दूर होता जा रहा है, तो न्यूक्लियस से आप और लंबी लाइन खींच सकते होगे, तो ग्रुप्स में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहेंगे। अब वही दूसरी ओर
पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं तो एटॉमिक साइज और रेडियस इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं होगा, एज इट इज सेम रहेगा। ठीक है, अगर ये वाला छोटा सा डायग्राम बना लोगे ना एग्जाम में एक छोटा सा पेंसिल से, तो ये वाले पॉइंट्स कभी भी कैसे भी रात में सो के उठ के भी बता सकते हो। ठीक, दूसरा ये वाला क्लियर हो गया एटॉमिक साइज एंड रेडियस वाला। ग्रुप्स के अंदर क्या होगा, बढ़ रहा है रेडियस, पीरियड्स के अंदर सेम है। न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मतलब जो न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इस पे भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। लेकिन ये चार्ज का काम क्या है, इस चार्ज का काम है जो इसके आसपास ये शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं उसको पकड़ के रखना, उसका ये काम होता है। किसका, न्यूक्लियर चार्ज का। जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना टाइटली बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखेगा अपने पास में, जितना लूज कम चार्ज होगा उतना वो इलेक्ट्रॉन्स लूज रहेंगे, कभी भी दूसरे एलिमेंट्स के पास में ट्रांसफर होकर आयनिक बॉन्ड बना लेंगे या कोवेलेंट बॉन्ड करके शेयरिंग कर लेंगे। आई बात समझ में, कि इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियर चार्ज जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन पे पूरा काबू करके रखता है। ठीक, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है जब हम ग्रुप्स में चलते हैं, ग्रुप में ऊपर की तरफ नीचे आते हैं, तो देखो शेल बढ़ते जा रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं न्यूक्लियस से, तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या होगा, ग्रुप में कम होगा इलेक्ट्रॉन्स के प्रति। चार्ज उतना का उतना ही है लेकिन जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर दूसरे शेल्स में पहुंच गए, इंक्रीज हो रहे हैं। वही पीरियड्स में जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि उसके शेल्स बड़े नहीं है, वहीं पर ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, फिर ये हो गया नंबर ऑफ शेल्स हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो जब एक एलिमेंट होता है, ये हो गया एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ये हो गया इसका शेल, सपोज इसके पास दो शेल है और पहले शेल के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल के पास में दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये न्यूक्लियस इसका चार्ज हो जाएगा, ये वैलेंस, ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर ये एलिमेंट अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, एक ही इलेक्ट्रॉन को करता है, वैसे वन इलेक्ट्रॉन को दे देता है, कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है, तो क्या होता है उसके ऊपर आ जाता है कोई चार्ज, वो आ जाता है कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, देने का काम किया, डोनेशन का काम किया। जब इसने दिया है तो कोई लेने वाला तो बैठा होगा ना, तो यहाँ पर बैठा है कोई दूसरा एलिमेंट, उसने क्या किया, उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके पास में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था, उसने इसका दूसरा ले लिया, तो लिया है तो सही काम नहीं किया है, तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। तो यही एक एलिमेंट की क्या है, कैपेसिटी, टेंडेंसी है, एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, वही दूसरे एलिमेंट की टेंडेंसी है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज आया तो ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई है, कि उसने कितना इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। तो कोई एलिमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसका मतलब वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। एक इलेक्ट्रॉन लिया ठीक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, पांच इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, एक डोनेशन कर दिया चल ठीक है, दो दे दिए और इलेक्ट्रो पॉजिटिव और महान हो गया, तीन चार दे दिए तो बहुत बहुत महान हो गया। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी होती है। तो अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की बात करें, ग्रुप वाइज पॉजिटिव चार्ज आना, डोनेशन की बात हो रही है, तो ग्रुप में अगर जितना नीचे जाते जाते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कैसे, पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे ग्रुप के अंदर देखो नीचे जाते जा रहे हैं, ये जो यहाँ पे न्यूक्लियस है इसका जो चार्ज है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काफी कम अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, बहुत फ्री हैं, वो जा सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन बोलेगा मुझे जाना है, ये बोलेगा नहीं तुम नहीं जा सकते, तो ये बोलेगा कि तुम्हारे बोलने से मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा, ये इसको नहीं पकड़ पाएगा, तो उसके पास उतना चार्ज नहीं है। ये वाला अगर न्यूक्लियस है, ये इस इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तुम नहीं जा सकते, तो वो नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसके काफी पास से पकड़ के उसको रखा हुआ है। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाते हैं न्यूक्लियस से, तो वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं और एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाते हैं।
तो ये टेंडेंसी होती है ग्रुप्स में, और यही कैरेक्टर होता है मेटल्स का कि वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप वाइज में क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, अब वही पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स क्या है, सेम है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर सेम चार्ज आ रहा है, यहाँ पर भी उतना ही फोर्स, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना, यहाँ पर भी उतना ही फोर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आपको अगर चैप्टर समझ में आ गया हो पूरा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम समझते हैं चैप्टर नंबर 6।